बड़ी खबर आ रही लखनऊ से। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। मायावती ने कांग्रेस अनुपार्टियों पर साधा निशाना। कांग्रेस को अपने बुरे दिनों में दलित याद आते हैं, अब इनको दलितों को मुख्यमंत्री बनाने की याद आ रही। ये लोग अपने अच्छे दिनों में दरकिनारा कर देते हैं, उन पदों पर जातिवादी लोगों को ही रखा जाता है। अब हरियाणा प्रदेश में ही देखने को मिला है, अपमानित हो रहे दलित नेताओं को दूर हो जाना चाहिए, इन्हें खुद ही ऐसी पार्टियों से अलग हो जाना चाहिए। बाबा साहेब ने कमजोर वर्ग के लोगों के लिए इस्तीफा दे दिया था। बाबा साहेब ने केंद्रीय कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मैंने भी राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। सहारनपुर के दलित उत्पीड़न के मामले में इस्तीफा दे दिया था। दलितों को बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चिल्लाने की ही सलाह है। कांग्रेस और अन्य पार्टियां शुरू से ही आरक्षण के विरुद्ध रही हैं। राहुल गांधी ने तो इनको खत्म करने का ऐलान कर दिया। ऐसे संविधान आरक्षण विरोधी पार्टियों से सचेत रहने की जरूरत। फिर से बता दें, बड़ी खबर आ रही है 24x7 लाइव टीवी पर। लखनऊ से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। मायावती ने कांग्रेस अन्य पार्टियों पर साधा निशाना। कांग्रेस को अपने बुरे दिनों में दलित याद आते हैं, अब इनको दलितों को मुख्यमंत्री बनाने की याद आ रही। ये लोग अपने अच्छे दिनों में दरकिनारा कर देते हैं, उन पदों पर जातिवादी लोगों को ही रखा जाता है। अभी हरियाणा प्रदेश में भी देखने को मिला है, अपमानित हो रहे दलित नेताओं को दूर हो जाना चाहिए, इन्हें खुद ही ऐसी पार्टियों से अलग हो जाना चाहिए। बाबा साहेब ने कमजोर वर्ग के लोगों के लिए इस्तीफा दे दिया था। बाबा साहेब ने केंद्रीय कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मैंने भी राज्यपाल सांसद से इस्तीफा दे दिया था। सहारनपुर के दलित उत्पीड़न के मामले में इस्तीफा दे दिया था। दलितों को बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चिल्लाने की सलाह। कांग्रेस और अन्य पार्टियां शुरू से ही आरक्षण के विरुद्ध रही हैं। राहुल गांधी ने तो इनको खत्म करने का ऐलान कर दिया था। ऐसे संविधान आरक्षण विरोधी पार्टियों से सचेत रहने की जरूरत। इंडिया 24 के समय लाइव टीवी पर ब्यूरो रिपोर्ट।